नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। दुनिया के रणनीतिकार कहते हैं कि अगर आप किसी को डराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास खतरनाक संगठन होना चाहिए, आपके पास आर्मी होनी चाहिए और आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो तो चल जाएगा। लेकिन आप सबसे बड़े रणनीतिकार हो तो आज हम ऐसे ही 5 संगठनों की बात करेंगे जो दुनिया में अपनी अलग तरह की धाक रखते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 6 महीने से ऊपर हो गया और इजराइल अपनी मनमानी जारी रखे हुए है और मध्य पूर्व में अपनी धाक को अब भी बरकरार रख पाने में कामयाबी पाई है। ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जिसकी काबिलियत के सामने अमेरिका भी पानी मांगता है। लेकिन इसी बीच बेंजामिन नेतान्याहू अमेरिका दौरे पर गए और एक नया प्रस्ताव अमेरिका को दिया जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया और अब दुनिया के खतरनाक संगठनों के बारे में बात करने लगे हैं। तो आज हम भी दुनिया के 5 खतरनाक संगठनों की बात करेंगे जिनकी धौंस पूरी दुनिया में है। फाइव आइज दुनिया का सबसे पुराना और खतरनाक संगठन है। ये अंग्रेजी के 5 अक्षरों वाले देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस का संयुक्त रूप से ब्लॉक है। लिखित प्रमाण की अगर बात की जाए तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बनाया गया। फाइव आइज की भूमिका अपने नागरिकों समेत दुनिया भर में संचार की निगरानी साझा करता है। एडवर्ड स्नोडेन के फाइव आइज को एक सुपर नेशनल खुफिया संगठन के रूप में बनाया, लेकिन इसकी खूबी काफी खतरनाक है क्योंकि ये अपने ही देश के ज्ञात कानूनों के अधीन नहीं आता। इसकी ताकत और इसके नाम की चर्चा तो तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते कैनेडाई सीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या में भारत के हाथ की जांच करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया अमेरिका ने कैनेडा को खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन ओटावा द्वारा इंटरसेप्ट किए गए निश्चित संचार के कारण ट्रूडो ने भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा संगठन है और क्या करता है। अब जिसकी बात करेंगे उसका नाम है अमेरिकी संधि। फाइव आइज की तरह ये संगठन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन के देशों के बीच का है। इस संगठन का जन्म 1947 में हस्ताक्षर के तहत हुआ। ये इस संधि के तहत एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है, जैसे नाटो के संगठन में होता है। लेकिन बोलिविया, क्यूबा, इक्वाडोर, मेक्सिको, निकारागुआ, उरुग्वे और वेनेजुएला ने इस संधि को छोड़ दिया और इसकी आलोचना करते हैं। आज की स्थिति में इस संगठन काफी सक्रिय है और अधिकतम सैन्य कर्मियों की संख्या 3.31 मिलियन से अधिक है, जिसमें से 2.84 मिलियन अमेरिका के हैं। अब जिस संगठन की बात करेंगे उसकी तो रोज कहीं ना कहीं बात होती ही रहती है। नाम है नाटो। दुनिया के सारे संगठन को पीछे रखा जाए और अकेले नाटो को सामने रखा जाए तो ये संगठन भारी पड़ जाएगा, लेकिन जितना बड़ा है उतनी ही विवादित भी है। नाटो की स्थापना 1949 में सोवियत हमले के खिलाफ पश्चिमी यूरोप के देशों को बचाने के लिए की गई थी और नाम पड़ा नाटो। मूल रूप से 12 सदस्य शामिल थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन शीत युद्ध के दौरान इसका विस्तार ग्रीस, तुर्की, पश्चिम जर्मनी और स्पेन को शामिल करने के लिए हुआ। 1999 में इसमें पूर्वी यूरोप में एक विवादास्पद विस्तार किया गया जिसमें चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड सदस्य बने। बाद में बुल्गारिया, इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेग्रेनो, उत्तरी मैसेडोनिया और अंत में फिनलैंड और स्वीडन इसके सदस्य बने। लेकिन अभी रूस के पड़ोसी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर विवाद हो गया और आज रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। इससे आप समझ सकते हैं कि नाटो जहां जाता है वहां क्या करता है। प्रायद्वीप शील्ड फोर्स। शील्ड फोर्स खाड़ी देशों का संगठन है। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सेना
काम करती है। 1984 में ईरान इराक युद्ध के दौरान इस संगठन को बनाया गया। इसका उद्देश्य जीसीसी सदस्यों के खिलाफ आक्रमकता का सामूहिक रूप से जवाब देना था। व्यवहार में संगठन का इस्तेमाल आंतरिक पुलिसिंग और विदेशों में हस्तक्षेप के लिए किया गया। इस संगठन ने 2015 में हैथियों के खिलाफ यमन के गृह युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप किया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे संगठन है और क्या करता है। आकस आकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच एक और सुरक्षा समझौता है। इसकी चर्चा इधर बीच काफी रही है क्योंकि इसी संगठन में भारत को शामिल करने की बात चली थी और इसको लेकर कई दौरे की बातचीत हुई और अभी भी लग रहा है कि आगे भारत शामिल हो सकता है। इस समझौते के तहत तीनों देशों के बीच साइबर रक्षा और AI से लेकर मिसाइल रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध की सुरक्षा की बात होती है। इसके साथ ही साथ रक्षा अनुप्रयोगों वाली अन्य तकनीकों पर विस्तारित सहयोग का दावा भी किया गया है। चीन ने ऑकस संगठन को शीत युद्ध के अवशेष के रूप में चिन्हित किया है, जिसे परमाणु अप्रसार संधि में खामियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये संगठन कितना खतरनाक है और क्यों। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इन संगठनों ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है और क्यों। इसके साथ ही साथ कई और संगठन हैं जो दुनिया में सक्रिय हैं, जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं।